दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सामान निकाल लिया है डेकोरेशन के लिए। यहाँ जो नीचे का सामान है ये कुछ सामान पिछले साल का है ये, और ये झूमर लेके आए थे हम आगरा से, और ये लेके आए थे एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए गेट पे लटकाने के लिए, और ये भी हम आगरा से लेके आए थे। ये देखिए दो हैं ये, और यहाँ पे कुछ सामान है, और इधर है अभी और भी रखा है कहाँ किसी में रख दिया मैंने। तो चलिए डेकोरेशन कर लेते हैं। मैंने बनाए थे ये पेड़ा, इसमें से मैंने नीचे भी बेच दिए हैं भोग लगाने के लिए, और ये बनाए हैं मैंने लड्डू बेसन की, तो इसमें से भी मैंने नीचे बेच दिए हैं। फिलहाल पता नहीं कैसा हो रहा है, कभी येलो कलर आ रहा है कभी वाइट आ रहा है। सजावट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे एक फोटो और लगाते थे वहाँ पे, और पूरे में ऐसे तो इस बार कर नहीं पाया क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए ऐसे कर पाई। तो यहाँ पे देखिए ऐसा सजावट करती है, और ये हम लेके आए थे और ये लगा दिया है सास्तुक, और यहाँ पे लगा दिए, और एक तरफ ये टांग दिया है। उसके बाद यहाँ पे लगाया है कलश, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, और यहाँ सूप, यहाँ लाभ, और यहाँ पे ये रंगोली लगा दी थी पिछले साल भी, यहीं लगाई थी, इसके ऊपर लगा दिया है। यहाँ पे छोटी सी रंगोली बना के यहाँ दीपक रख दिया है, और यहाँ पर दीपक रख दिया है, और दिखाते हैं। तो यहाँ पे झूमर टांग दिया पिछले साल का था, पिछली साल का, तो इस तरीके से यहाँ पे, और ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो दांत लगे हैं, ये ज्ञानवी ने खाई है ये, तो पोत भी नहीं पाई। ये पिछले साल मैंने अपने हाथ से बनाई थी ये वाली, तो यहाँ लगा दी, और यहाँ पे इस तरीके से बस इतनी ही की है, ज़्यादा नहीं की थी, बस इतनी की भाई जैसी हो पाई ठीक है। दोस्तों तो ये देखिए गणेश जी का जो ये झूमर हम लेके आए थे आगरा से, इसको मैंने मंदिर में लगाया था, इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे ये देखिए ये है मेरे भगवान जी, जिनको मैंने सभी लोगों को एक जैसे ही कपड़े बनाए थे और पहनाए थे। ये देखिए सभी लोग एक जैसे ही कपड़े पहन के बैठे हैं, और ये है चांदी का सिक्का, मैंने यही रख दिया था, तो इसमें गणेश जी बने हैं, और पीछे ओम बना है, और सास्तुक बने हैं किनारे पे इसके। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए, तो ये ना मेरे विदाई के टाइम पे मेरे पापा ने मुझे दिया था। ये तीन सिक्के हैं, तो तीनों सिक्के मेरी तीनों बहनों को मिले हैं। मम्मी के पास पापा के पास तीन सिक्के थे चांदी के, तो तीनों लोगों ने एक एक सिक्का दिया था सब लोगों को। तो ये देखिए अच्छे से पूजा हो गई थी, और सॉरी मैं ज़्यादा आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ना कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए तो मेरा प्यारा सा मंदिर ये था, भोग लगा दिया था मैंने, और ये है मेरे लड्डू जिनकी भी मैंने ड्रेस सेम बनाई थी, आप लोग देख सकते हैं, इनको भी मैंने भोग लगा दिया था। मैंने मिठाई में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, पेड़ा और ये बनाए थे बेसन के लड्डू, तो आप लोग भी आके खा लीजिएगा, और हैप्पी दिवाली मेरे लड्डू की तरफ से सभी लोगों को, और मेरी प्यारी सी फैमिली की तरफ से। तो बने रहिए ब्लॉग। देखो सही है जाम पे गई। आज ही मनीष
मैं दीपावली है ना। अरे भैया, अरे भैया, दूसरे के पैसे पे आग लग के कितने खुश होता हुआ ज्ञान दिया भाई भाई। जे वालू चलाने हैं तो मैं जे वालू। अरे अभी नहीं छोड़ना, अभी नहीं, अभी उसमें बोनी बनी गैस। अभी नहीं जाएगी और बनने दो भैया गैस। और भैया, और भैया बनने दो अभी। अभी गैस नहीं भरी उसमें, छोड़ना नहीं अभी। जब तेज से चलेगी भैया तब गैस भर जाएगी, तब जाएगी वो। दादी अम्मा डर रही हैं जे। हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं ऊपर से पटाखे सटाखे चला के, पर जो आलू बम था वो आपको हम दिखा नहीं पाए क्योंकि ज्ञानवी ना रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने ज्ञानवी को ले लिया था इसलिए। तो फिलहाल हैप्पी दीपावली आप सभी लोगों को फिर से, और कुछ लोग कल भी मना रहे हैं। तो अब मैं चलती हूँ, कुछ बना खा लेती हूँ, मतलब सेटअप बना के रख दिया था, आलू की कचौड़ी बनाएंगे और सब्जी बना के रख दी थी, तो बना लेते हैं। टाइम 9:30 का हो गया, तो बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में या फिर पता नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर। हेलो दोस्तों, तो आज है 1 तारीख और कल अच्छे से दीपावली मन गई थी और आज भी कुछ लोग दीपावली मना रहे हैं, तो आप लोगों को फिर से आज के लिए भी हैप्पी दीपावली। और हाँ, कल जितना हो सका उतना मैंने आप लोगों को दिखाया, पर ज़्यादा नहीं दिखा पाए क्योंकि तबीयत मेरी कल बहुत ज़्यादा ख़राब रही। कल पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, दवाई तो चल रही है फिर भी पता नहीं क्यों आराम सा लग नहीं रहा है मुझे, जिस हिसाब से आराम होना चाहिए पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो वो तो देखते हैं 20 दिन बाद पता चलेगा। और कल पता है मैंने बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत सारे पटाखे चलाए, बहुत मज़ा आया। और शाम के टाइम पता मैं तैयार होने जा रही थी पूजा के लिए, नीचे पूजा होती है हमारे मंदिर में, तो उसी टाइम पे आ गए थे जो चाचा हैं, इंजेक्शन लगाने के लिए आ गए थे। तो मैं कपड़े निकाल के रख लिए थे, तैयार होने जा रही थी, तब तक वो आ गए इंजेक्शन, मैं तो भूल गई थी इंजेक्शन लगना है। फिर इंजेक्शन के बाद 10 मिनट के लिए वो बोल देते हैं लेट जाओ क्योंकि वो नस में लगाते हैं इंजेक्शन, और मैंने क्या कर 5 मिनट ही लेटे क्योंकि पूजा हो रही थी दूसरे कमरे, मंदिर वाले कमरे में पूजा हो रही थी, तो मैं जल्दी उठ के आ गई। तब तक क्या हुआ कि मैं गिर गई, मैं छत पे आ गई जिस तैसे चढ़ के, और छत पे आके एकदम से गिर गई मैं, बहुत मतलब एकदम चक्कर आ गए कसे, क्योंकि 5 ही मिनट, वैसे मैं 15-20 मिनट तक लेटे रहूँ क्योंकि बोलते 10 मिनट तो लेटना ही है, पर ज़्यादा ही लेट लिया करूँ, ये मैं कल 5 मिनट में लेट के और जल्दी से आ गई थी, तो इसलिए। फिर उसके बाद थोड़ा पानी वानी पिया, रेस्ट किया, आधी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद तैयार होके हम नीचे पहुँचे। और फिर तक बाद मैंने ऊपर पूजा की आके, और फिर ऊपर गए पटाखे चलाए जाके। और पटाखे के टाइम क्या हुआ कि पहले हम वीडियो बनाते रहे, और जब हमारी बारी आई पटाखे चलाने की, मैंने इनको फ़ोन दे दिया कि अब तुम वीडियो बनाना, हम पटाखे चलाएंगे। तो महाराज जी ने क्या किया, क्या हुआ,
मैंने कैमरा ऑन करके निकाल के दे दिया था, ऑन कर दिया, पर वीडियो पे क्लिक नहीं किया था कि वीडियो चालू हो जाए, तो मैंने सोचा ये कर लेंगे और इन्होंने किया नहीं। और मैं सोची थी कि वीडियो बन रहा है और मैं सुबह ढूंढना ढूंढ लगी वीडियो वो वाला कहाँ गया, बोले कौन सा, मैंने कि कल जो तुमने बनाया था तो मिल ही नहीं रहा, डिलीट हो गया क्या। क्या होता है कि गैलरी से अगर डिलीट होता है तो एक जगह ऑप्शन और देता है, वहाँ पर भी होता है तो उसको रिकवर हो जाता है। कभी कभार जैसे गलती से मुझसे कोई वीडियो डिलीट हो जाए तो वहाँ पर जाके हम उसको रिकवर कर लेते हैं तो वो आ जाता है। तो उसमें फिर मैंने जान लिया कि इन्होंने बनाया ही नहीं था वीडियो, यानी कि तुमने कैमरा चालू नहीं किया था कि जैसा तुमने दे दिया था फोन वैसे हमने बना डाला। गुस्सा भी आया, हंसी भी आ रही थी, उन्हें यार तुम पता नहीं क्या क्या करते। एक्चुअली ज्ञान भी रो रही थी और ज्ञान भी को भी हाथ में लिए थे, ज्ञान भी रो रही थी, इसलिए उनके दिमाग से निकल गया होगा। तो मैंने कहा चलो अब कोई बात नहीं है, तो चलिए हमने अभी भी दीपक लगा के रख दिए हैं। मैं बनाने जा रही हूँ खाना, टाइम हो गया है शाम का 6:15 बज गए हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।